चलो रूह जी हकीकत करो है तो अल्लाह ताला जवाब में चाहे तो मुझा हबीब नहीं के चो जो रूह जी हकीकत के अल्लाह जे सवा को न तो जाने। इतने सवाल हुजूर के पूछे में आया हुआ ते मैं बस सवाल तो नेक बंदे जे बारे में हुआ वा ना एकड़ो असाब काब जे बारे में भी जुल करना है मुके नुक्तो ही वतार नु है जो कुरान में अल्लाह ताला ही वाक्यो बयान के उन्हीं जो सवाल पण अल्लाह वारे जे बारे में जवाब में पण अल्लाह वारे जो जिक्र उतरियो अनि कुरान में कयामत सुंदी रहंदो आई ना क्या मसूदी पढ़दा से याने जो को नता करिए नता जिक्र करिए नता मनिए उन्हीं के अल्लाह ताला पर जिक्र कराए तो वो रमजान में कुरान पढ़े तेरा साहब काब जो जिक्र न तो थी इन जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ाई है तो नमाज में अगर सूर काब पढ़दा तो जिक्र न थी तो अल्लाह वारे जो अने जिन सूरत में अल्लाह वारे जो जिक्र है इन सूरत की तिलावत करे में फजीलत करो है खड़ो ताई कुरान सूरे काफ जे बारे में बुखारी शरीफ जी हदीस है हजरत बर्रा बिन आजम रदी अल्लाह तआला ने फरमाई है ता जेकडी जा सूरे काफ पढ़े से मूर में घोड़ो बदो ओ ची दो घोड़ो बणक्यो सो घोड़ो नचियो मुके दरा थयो जे छोटा वे तो छोकरा रमया थे केरा छोकरे की इजा आ कुरान बंद कर चले घोड़े की जे सुंदी आ नेरियो इन त्या त्या सुंदी आ दिसा तो आसमान में जकड़ो बादल उतरे तो एकड़ो वडर उतरे तो सजे मुजे घर के ढके चले एकड़ी खुशबू अने ठंडक महसूस थी मुझे और सीधो अल्लाह के रसूल की बारगाह में वेस वेनी अनारस को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सूरह काफ जी मुझे घर तिलावत कई थी अने हेड़ी रीते माजरो बने के कर घोड़ो बढ़ क्यों अने आसमान में जा बादल उतरियो मुझे पूरे घर के ढके छड़े तरे अल्लाह जो रसूल चेता जाए बर्रा बिन आज़िब सूरह काफ पढ़ दो रहो जो को सूरह काफ पढ़े तो अल्लाह ताला उन मते सकीना के नाजिल करे तो अने तुझे घर मथे सकीना नाजिल थी है सकीना माना तमानियत रहमत अल्लाह जी खास रहमत है ये बुखारी जी हदीस है जो कुरान जी उन सूरत के पढ़ो जैमें अल्लाह वारे जो जिक्र है ये अगर आज घर में तिलावत थी तो अल्लाह ताला रहमत उतारे तो।